फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो अभी ना एक्चुअली आज सुबह मैं उठी और फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई, फिर से उठी, फिर लंच का टाइम हो गया तो इसलिए मैं उठी एंड लंच किया, फिर से सो गई, फिर उठी, हेयर वॉश करने थे वो किए, रेडी हो गई और अभी हम जा रहे हैं बाहर। अभी बज रहे हैं 6:30 सुबह के, नहीं इवनिंग के, ये देखिए। तो इन शॉर्ट आज था रिया के सोने का दिन। हाँ, मतलब इतनी नींद आ रही थी कि ब्रेकफास्ट करके सो गई, फिर लंच करके सो गई, फिर फाइनली 5 o'clock आसपास उठे ना और रेडी हुई। फिर हम अभी जा रहे हैं बाहर, और बाहर मेन तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ DIY आर्ट एंड क्राफ्ट के सप्लाईज लेने हैं और कुछ स्टेशनरीज लेनी है, तो वो हम आपसे शेयर करते जाएंगे। हमारा डेस्टिनेशन पर चलिए तो सबसे पहले ले रहे हैं हम ये डिटेलिंग के लिए ब्रशेस। तो इस वाले सेट में टोटल 5 ब्रश आते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत से मिनी कैनवास है, तो उसमें से भी कुछ ले लेते हैं, 3 डिफरेंट साइजेस के। तो उसमें से ये लेते हैं और ऐसे 2 ले लेते हैं, फिर ये वाला है और एक ये साइज ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी वाली साइज है इन तीनों में से। तो देखिए टोटल ना हम इतने ले रहे हैं। एंड एक ना ये हमें वॉर्निश लेना है, एक्रेलिक के पेंटिंग में करती हूँ ना तो उसके ऊपर के कोट के लिए, तो ये मेरे पास नहीं था। ये एक सीजर ले लेते हैं एंड ये है फेविस्टिक्स। और ये ना फिर हमें क्ले लेने थे ना, वो तो हमने पहले से लिया था, वो एकदम छोटा वाला पैकिंग का। तो अब तो DIY क्ले से भी हम करेंगे तो उसके लिए ना ये बड़ा वाला लिया है। देखिए तो इसमें ना बहुत सारे पंच मशीन्स हैं जो लेने हैं, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के भी हैं एंड कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, और इस वाले में भी है, इस वाले में कुछ बहुत बड़े हैं, लेकिन जो हमें डिज़ाइन चाहिए ना वो ये 3 है तो हमने ये सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन की क्राफ्ट शीट्स है जो हमें लेनी है, तो वो भी वही देख रहे हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन तो सिलेक्ट नहीं किया है। तो एक ना ये वाली फर्स्ट सिलेक्ट की है। तो देखिए फाइनली ना हमने ये सब क्राफ्ट वाली डिजाइनर शीट्स ली है। और एक ये भी ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर ना ये बहुत सारी वॉशी टेप्स है। तो जनरल में तो मैं सब कुछ DIY करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ और करूँगी, उसमें वॉशी टेप्स शायद यूज़ आ सकती है, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वॉशी टेप्स देख रहे हैं। एंड ये है बहुत सारे वॉशी टेप्स, इसमें से सोच रही हूँ कि एक ये वाली लेते हैं, फिर एक आई थिंक ये वाली लेते हैं ना मम्मा, फाइनल की ये 3 वॉशी टेप। एंड यस बाय द वे ये स्टिकर्स है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे, स्पैरो थीम के तो वो लिए। एंड यहाँ पर ना ये सब स्टिकर्स है, तो कुछ और तो कुछ नहीं लेना आई थिंक। हाँ ये हमने मिनी कैनवास लिए ना, चिकन कैनवास, हाँ तो उसके सपोर्ट में अच्छा लगेगा। हाँ तो ये भी एक लेता है, लाइक ऐसे ट्राइपोज डिफरेंट डिफरेंट साइज के होता है ना, तो हमने ये सबसे छोटा वाला लिया है, ये उससे भी बड़ा है, फिर यहाँ पर उससे भी बड़ा है, लेकिन मिनी कैनवास के लिए आई थिंक यही परफेक्ट रहेगा। ये देखिए आई थिंक ना इसमें से कौन सा लेना है, डिफरेंट डिफरेंट है, आई थिंक ये वाला लेता है और ये वाला एक हार्ट लेता है। तो वैसे तो मैं जो जनरल बनाती हूँ उसमें जैसे कि ना आपको कहा वो सब DIY होता है, लेकिन कुछ कुछ और भी हम बनाने वाले हैं, तो उसके लिए है ये स्टिकर। एंड ये ना बर्थडे थीम के लिए है ये वाला, अभी इसमें से तो हो गया तो इसको बंद कर देते हैं। एंड ये ना कुछ ट्रैवल एंड वैकेशन थीम का है। तो देखिए फिर ना फाइनली हमने ये सब चीज़ें फाइनल की है, तो ये है सारे हमारे DIY सप्लाई। और एक चीज़ तो हम भूल ही गए थे जो है क्ले करने के लिए टूल्स, हम क्ले से जो भी DIYs बनाएंगे ना तो उसके लिए ये सब टूल्स है। एंड इसमें से ना कुछ पेंस ले लेते हैं, लाइक 2-3 पेंस लेनी है, आई थिंक एक ये वाले लेते हैं, एक ले लेते हैं ये वाले।
सो फाइनली आ गई ये सब चीजें जो हमें DIY के लिए लेनी थी। चलिए तो अब चल रहा है। सो फाइनली ना हमने वो सारे DIY सप्लाईज ले लिए जो हमें लेने थे। से अभी हो गई है रात एंड अभी बज रहा है 7:52 मतलब ऑलमोस्ट 8। हाँ तो मैं सोच रही हूँ कि पीछे मतलब टर्न करके घूम के चले जाए कि वेट करें। आई थिंक घूम के चले जाते वरना बहुत लेट हो जाएगा। ओके तो वैसे हम मिलते हैं आपको घर पे जाके। तो आ गए हैं हम घर पर और अभी ना मम्मा कर रहे हैं डिनर की प्रिपरेशंस और मैं आपको दिखा देती हूँ हम क्या क्या घर लाए हैं और सारी चीज़ें हम अनबॉक्स कर रहे थे। चलिए सो ये है सारे आर्ट के सप्लाईज एंड इसमें से कुछ स्टेशनरी के भी सप्लाईज है। देखिए तो ये ना वो पैटर्न वाले शीट्स है तो वो सब हमने इतने इतने पैटर्न्स की शीट्स ली है। फिर यहाँ पे ये है एक्रेलिक कलर्स। मेरे पास ना वैसे बहुत से एक्रेलिक कलर्स है पर उसमें से ना कुछ कुछ एम्प्टी हो गया है, कुछ कुछ तो लाइक उसमें थोड़े से ही बचे हैं। एंड अभी तो वैसे भी वैकेशन चल रहा है जिसमें लाइक हम DIY करेंगे तो उसके लिए एक्रेलिक कलर्स तो चाहिए होंगे तो हमने सोचा ले लेते हैं। फिर ये है क्ले का पैकेट। ओके सो ये तो हो गई क्ले। देन आते हैं क्ले से हम जो बनाएंगे ना उसको बनाने के लिए टूल्स। तो ये सब है वो टूल्स। ये है वार्निश। एक्चुअली वार्निश ना लेना था जो हम एक्रेलिक कलर्स या फिर ऑयल कलर्स करते हैं ना उसके ऊपर ये कोट रहता है ना तो अच्छा रहता है। एंड साथ में ये है ग्लू स्टिक जो मैं जनरल करती हूँ ना उसके लिए। फिर ये भी ऑफकोर्स DIY में ही यूज़ आने वाला है ना। तो ये ना ऐसा आता है तो यहाँ से हम इसे ओपन कर सकते हैं और फिर हमें जितने भी पेजेस अंदर डालने हो उतने डाल सकते हैं। फिर आती है ये सीजर्स का पैकेट। तो फिर ना हम लास्ट में ये सारी चीज़ें अनबॉक्स भी करने वाले हैं। ये है वो डिटेलिंग ब्रश। देन यहाँ पे है कुछ स्टिकर्स। फिर ये है वो ट्राइपॉड फॉर पेंटिंग पेंस। देन अगेन स्टिकर्स, ये भी स्टिकर्स, ये कैनवास बोर्ड एंड ये कैनवास बोर्ड एंड दैट्स डन। चलिए स्टार्टिंग से देखते जाते हैं। तो इन तीनों में तो कुछ अनबॉक्स करने जैसा है नहीं, अब इसे कर लेते हैं अनबॉक्स। देखिए तो ये अब हो गया है अनबॉक्स। ओके सो दीज आर ऑल ब्रशेस एंड ये स्टिकर्स को तो ऐसे ही रखना है। फिर ये कर लेते हैं अनबॉक्स। ये तो ऐसे ही अनबॉक्स हो गया और ये इसको भी निकाल लेते हैं ना। देखिए तो ये जो ट्राइपॉड होता है ना उसको ऐसे रखना होता है और फिर सपोज ये है ना कैनवास बोर्ड तो उसको ना हम ऐसे रख सकते हैं। कितना प्रिटी लग रहा है ना। फिर ये जो कैनवास बोर्ड्स है ना वो तो मुझे जैसे जैसे यूज़ करने होंगे वैसे मैं अनबॉक्स करती जाऊंगी क्योंकि वरना फिर डस्टी डस्टी हो जाएंगे ना। एंड अगेन ये स्टिकर्स। फिर ये भी ऐसे बैग में ही रखना है और ये भी ऑफकोर्स ऐसे ही रखना है। अरे हाँ ये रह गया ना। वैसे आपको ये सारे DIY सप्लाईज में से सबसे अच्छा कौन सा वाला लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थे सारे DIY सप्लाईज और आप लोग मुझे बता रहे थे कि DIY जो मैं अब करती जाऊंगी उसके शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगी तो वो भी एक दो दिन में आने ही वाला है, लाइक आना स्टार्ट होने वाला है। तो आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि मैं कौन से DIYs करूं। और बाय द वे अभी डिनर भी हो गया है तो चलिए कर लेते हैं डिनर। सो आज के हमारे लंच में है ये ढोकला एंड उसके साथ चटनी। हाँ सॉरी डिनर है ढोकला एंड चटनी। लगता है मैं अभी तक नींद में ही हूँ, डिनर को लंच बोल दिया। तो डिनर हो गया है एंड अभी ना मैं मम्मा को यूटेंसिल्स में हेल्प कराने वाली हूँ ऑर्गेनाइजेशन करने में और बस उसके बाद तो रात हो गई है तो अभी कुछ खास तो करने नहीं वाली हूँ, ब्रश करके सो जाने वाली हूँ। तो कैसे लगा आपको ये ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।